हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस सिलेबस वाले वीडियो में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एक और यूजी के कोर्स के सिलेबस को लेकर के। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के कि आखिर अगर आपका बीएससी है केमिस्ट्री से के साथ तो आपको क्या कुछ पढ़ना पड़ता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। इसके सिलेबस को हम लोग डिटेल में समझेंगे, सारे टॉपिक वाइज को समझेंगे। साथ में आपको अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से गेस्ट पेपर आपको परचेज करने चाहिए, तमाम सारे आइडियाज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाम सारे जो आपको कंटेंट है उसको दिखाने का मैं आपको बाकायदा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आप भी चाहें सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए तो आप भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर पर आप टाइप कीजिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप इस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ डैशबोर्ड मिलने के बाद आप आ जाइएगा अकेडमिक्स पे, और अकेडमिक वाले जैसे ही सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें रहता है कोर्स का डिटेल। यहाँ आपको मिलता है कोर्स का डिटेल। आपको क्या करना है कि कोर्स की डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स की डिटेल पर क्लिक करते हैं आपको मिल जाता है यूजी सिलेबस, पीजी सिलेबस। आपको आ जाना है यूजी सिलेबस पर, क्योंकि बीएससी किसका कोर्स है, यूजी का है, यानी अंडर ग्रेजुएट का है। आपको यूजी सिलेबस पर क्लिक करना है। यहाँ तमाम सारे सिलेबस होते हैं, और आपको आ जाना है साइंस के फैकल्टी में। जैसे आप साइंस की फैकल्टीज़ में आते हैं, यहाँ आपको मिल जाता है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, क्लिक हेयर। यानी आपको क्या करना है, चाहे पार्ट वन हो, पार्ट टू हो या पार्ट थ्री, आपको देखने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक हेयर करना है। जैसे आप क्लिक हेयर करते हैं आपका पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपका पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। बता दें आपको, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है ईयर वाइज सिस्टम, यानी पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री का सिस्टम है। तो इस ईयर वाइज वाले सिस्टम में आपको क्या करना है कि ईयर वाइज सिस्टम में पार्ट वन होता है, पार्ट टू होता है एंड पार्ट थ्री होता है। तो चलिए अब सिलेबस को समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो बीएससी इन केमिस्ट्री है यूजी, यानी अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है बीएससी इन केमिस्ट्री, ये 3 साल का कोर्स है जो कि 3 ईयर्स में डिवाइडेड होता है। पहला ईयर को कहा जाता है पार्ट वन, दूसरे को पार्ट टू एंड तीसरे को पार्ट थ्री। तो पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ पेपर होता है, क्या कुछ टॉपिक होता है, चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। तो देख सकते हैं पीडीएफ में क्लियरली बताया गया बीएससी पार्ट वन केमिस्ट्री ऑनर्स। अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ऑनर्स हो या फिर आपका सब्सिडरी हो, सब कुछ इसी एक वीडियोज़ में सब कुछ समझ जाएंगे कि ऑनर्स के लिए क्या पढ़ना है, सब्सिडरी के लिए क्या पढ़ना है। चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका बीएससी पार्ट वन है, पार्ट वन में क्या कुछ पढ़ना होता है, पहले ये समझ लीजिए कितना पेपर पढ़ना पड़ता है ऑनर्स का। तो अगर इन शॉर्ट समरी अगर मैं पार्ट वन के बारे में बताऊं, तो पार्ट वन जो केमिस्ट्री होता है पेपर, वो बेसिकली 2 पेपर में कंप्लीट होता है। एक तो पहला पेपर थ्योरी का, दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का। और इस थ्योरी के पेपर में भी बहुत सारे सब डिवाइडेड होता है, यानी थ्योरी का ये जो पेपर है ये बेसिकली डिवाइडेड आपको 3 ग्रुप में, 1A, 1B एंड 1C। ध्यान समझिएगा, ये जो आपका पार्ट वन है यानी ऑनर्स का पार्ट वन में जो आपका पेपर वन है जो थ्योरी होता है, पेपर टू आपका प्रैक्टिकल होता है, और ये जो पेपर वन है थ्योरी का ये भी सब डिवाइडेड है 3 पेपर्स में, 1A, 1B एंड 1C। तो 1A में क्या पढ़ना है, 1B में क्या पढ़ना है, 1C में क्या पढ़ना है, चलिए समझते हैं। तो अगर शुरुआत की जाए 1A के बारे में, तो 1A किसके लिए होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए होता है। 1B आपका किसके लिए होता है, तो आपका जो एलिमेंट्स वगैरह होता है उसको, इसके लिए 1B होता है। और 1C यानी कहने का मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री, 1A, 1B आपका क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और 1C क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 1A यानी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, 1B यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, 1C मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। तो अगर 1A के बारे में बात की जाए, तो ये आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर पेपर स्ट्रक्चर्स को लेकर के बात की जाए, तो इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आपको क्या कर देना है, आपको जवाब देना है। एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर इन शॉर्ट समरी अगर बात की जाए इस 1A यानी फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यानी जो आपका 1A है वो डिवाइडेड होता है A, B एंड C में। एंड ध्यान रखिएगा, आपको 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इस तीनों ग्रुप में से 1 क्वेश्चन आपको पर ग्रुप से आपको लेना है, और मैक्सिमम आपको क्या ले सकते हैं, एंड नॉट मोर देन 2, यानी 1 ग्रुप से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। मतलब 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप से मिनिमम तो आपको 1 क्वेश्चन लेना है, और किसी भी 1 ग्रुप से 2 से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। मान लेते हैं कि 3 ग्रुप आपको दिया गया, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जब आपके पास पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें 3 ग्रुप रहेगा आपका A, B, C। ABC में से क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत सारे का कलेक्शन होगा, क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो मान लेते हैं कोई कैंडिडेट इसमें से 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन इसमें से दे देगा, 1 क्वेश्चन इसमें से दे देगा, तो इस तरीके से उसका कंप्लीट हो जाए। ना कि उसको इस तरीके से करना है 3 क्वेश्चन ग्रुप सी से ले ले, 1 क्वेश्चन बी से, 1 क्वेश्चन ए से, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि 2 क्वेश्चन से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं।
तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के यानी एग्जाम के पेपर के स्ट्रक्चर को लेकर के कि आखिर स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इससे ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या कुछ कवर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कवर करना है द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो ग्रुप है इसमें आपको कवर करना है क्या, द स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में बात कीजिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइडल स्टेट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसमें क्या कुछ पढ़ना है, गैसेस स्टेट में आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन और काइनेटिक गैस इक्वेशन, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज, कैलकुलेशन ऑफ गैस कॉन्स्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ ऑफ वेलोसिटीज, तो इस तरीके से करके बहुत सारे आपको टॉपिक पढ़ना है। मेन जो कंटेंट है वो मैंने आपको ऊपर का बता दिया किस तरीके से पेपर का स्ट्रक्चर है, क्या कुछ पढ़ना है। आप इसे डिटेल के लिए आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट रख करके आप क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसका जो PDF है, PDF का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर के वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ए के बाद बी में पढ़ते, तो बी आपका होता है इक्विलिब्रियम, यानी आपका जो पेपर 1A है, 1A में पहला पार्ट था ए, दूसरा पार्ट क्या है बी, बी क्या है आपका इक्विलिब्रियम है। और अगर इस इक्विलिब्रियम के बारे में बात की जाए तो इस इक्विलिब्रियम में क्या कुछ पढ़ना है, इसमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद आपको पढ़ना है फर्स्ट एक्शन इन थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स 2, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस तरीके से आपको करके चार टॉपिक पढ़ना है इक्विलिब्रियम में। डिटेल में क्या कुछ पढ़ना है आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं कि क्या कुछ डिटेल में इसमें बताया गया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। PDF का भी एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मेनली हेड टॉपिक को बताते जा रहा हूँ और जो जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताऊंगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं 1A का, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका जो ग्रुप सी पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, चेंजेस पढ़ना है। और चेंजेस में क्या कुछ पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशंस एंड चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है, इसके बाद सॉल्यूशन एंड चेंजेस ऑफ स्टेट्स 2 पढ़ना है, प्रोसेस एट सॉलिड सरफेस भी आपको पढ़ना है। डिटेल में क्या पढ़ना है आप इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1B में, आपको बताया था ये जो आपका पार्ट 1 है यानी जो पहला ईयर है केमिस्ट्री ऑनर्स में, इसमें क्या पढ़ना है, तीन पेपर 1A 1B 1 बेसिकली ईयर के लिए, यानी पहला साल का पहला पेपर ए, 1B एंड 1C। 1A में क्या कुछ पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। अब एंट्री करते हैं 1B में, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें भी सेम कहानी, इसमें सेम कहानी क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। और ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आपको एक क्वेश्चन हर ग्रुप से उठाना है और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी एक ग्रुप से नहीं उठेगा। कितना ग्रुप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेसिकली जो ग्रुप है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 3 ग्रुप बताया गया। 3 ग्रुप में क्या क्या है, पहला ग्रुप कहलाता है फाउंडेशन, फाउंडेशन में आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बाद बॉन्डिंग मॉडल्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद आपको पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं तो 1B यानी बी आ जाता है। बी ग्रुप में आपको पढ़ना है सिस्टमैटिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो क्या है, मिसलेनियस टॉपिक है। अब किस टॉपिक में क्या पढ़ना है आप इसे बेहतर समझने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्या कर सकते हैं जो कोर्सेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। PDF का आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या कुछ पढ़ना है देख सकते हैं आप, नोमेनक्लेचर क्या है। इसके बाद आते हैं तो ग्रुप बी के इस कंटेंट में आते हैं, तो जिसमें आता है सिस्टमैटिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, सिस्टमैटिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट में क्या कुछ टॉपिक पढ़ना है ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में, तो मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको पढ़ना है मॉलिकुलर केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैग्नेटोकेमिस्ट्री, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यानी पहला साल का यानी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो कि कहलाता है 1C, जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें देखिए बताया जाता है देयर शैल बी 3 ग्रुप, आपको 3 ग्रुप दिए जाते हैं और 4 क्वेश्चन पर ग्रुप में आपको क्या आता है रहता है, यानी कि 3 ग्रुप रहेगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और जिसमें 4 क्वेश्चन हर ग्रुप से आपको पूछा जाएगा। द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन एंड नॉट मोर देन 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है 3 ग्रुप से और हर ग्रुप में कितना कितना क्वेश्चन आता है, यानी 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ध्यान रखिएगा किसी भी ग्रुप में एक से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से ज़्यादा किसी भी ग्रुप से आंसर नहीं कीजिएगा। क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, जिसमें पढ़ना पड़ता है पहले फाउंडेशन में क्या कुछ टॉपिक है आप इसे देख सकते हैं, जिसमें मेनली है शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंट्रोडक्टरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद आपको पढ़ना होता है एलिमेंट्री स्टेरियोकेमिस्ट्री। इसके बाद इसका जो बी पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको पता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड, जिसमें आपको अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड लिथियम, इसके बाद आपको अमाइंस एंड यूरिया के बारे में, इसके बाद एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के भी बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर ग्रुप सी के बारे में बात की, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ग्रुप सी होता है, इसमें अगर बात की जाए तो वो आपका है एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स,
और एप्लीकेशन एंड टेक्निक्स में आपको पढ़ना है एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से आपका पार्ट वन का थ्योरी पेपर कंप्लीट होता है। वही अगर बात की जाए पार्ट वन का जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है इसको लेकर के, तो ये आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है जिसका नाम क्या करता है पेपर टू पार्ट वन के लिए। और इसमें कितना आपको क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है देख लीजिए, इसमें आपको टाइम मिलता है 6 घंटे का आपको टाइम मिलता है। फुल मार्क्स कितना होता है 25 मार्क्स, जिसमें आपको कितने जो क्वेश्चंस आपको कितने जो इसका जो वर्क है वर्क में आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको करना होता है, जिसमें आपको एसिडीमेट्री एंड एल्काइमेट्री ए, इसके बाद आपका आता है यूज ऑफ पोटेशियम परमामैग्नेट, इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, ये आपका पहला काम हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको करना होता है। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है इसमें दूसरा काम क्या है कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग मोनोसेक्राइड्स। कहाँ कितने मार्क्स का होता है समझ लीजिएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, 15 मार्क्स का आपका डिटेक्शन करने वाला और 10 मार्क्स का आपका नोटबुक बनाने में और वाइवा वॉइस में। यानी मेनली कितना आपको मार्क्स मिलता है ये समझिए, मेनली आपका 40 मार्क्स किस पे मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी जब आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो अगर आप इस दोनों टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा इनफ हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड आपका जो डिटेक्शन है इस पार्ट को कवर कर लीजिए, बाकी कॉपी बनाने में प्रैक्टिकल का कॉपी बनाने में और जो वाइवा वॉइस होता है इसको लेकर के दोनों मिलाकर के कितना मार्क्स का होता है 10 नंबर का होता है। इस तरीके से हमारा पार्ट वन का पूरा पेपर क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसके लिए, पार्ट टू के लिए, लेकिन पार्ट टू से भी पहले हम लोग पार्ट टू की जो डिस्कशन है उसे हम लोग डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं आगे के वीडियोस के माध्यम से। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके सब्सिडियरी पेपर को लेकर के, यानी अगर किसी का केमिस्ट्री क्या है सब्सिडियरी में तो क्या उनको पढ़ना है। अभी मैंने फिलहाल में सबसे पहला वीडियो में सबसे पहले क्या मैंने बताया था ऑनर्स के लिए, अब बात करते हैं सब्सिडियरी वालों के लिए। सब्सिडियरी वाले समझेंगे उनका एग्जाम कितना होता है, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, टाइमिंग कितना टाइम का होता है 3 घंटे का और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है, 1 क्वेश्चन इच ग्रुप से, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको 1 क्वेश्चन और 2 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी ग्रुप से आंसर आपको नहीं करना है। आपको भी क्या पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ना पड़ता है ये समझ लीजिए। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है स्टेट्स के बारे में, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में, आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये आपका होगा ये नहीं, ये जो आपका ग्रुप है वो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, सब्सिडियरी वालों के लिए भी ए में बी में सी में। अंतर इतना ही है कि ऑनर्स में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट जो आपका सब्सिडियरी का पेपर है उसमें आपको नॉर्मलाइज करके पढ़ना पड़ता है। तो क्या कुछ पढ़ना पड़ता है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में ये समझ गए होंगे। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया तो आपको पढ़ना पड़ता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इसके बाद आइसोटॉप्स, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, इसके बाद नोमेनक्लेचर, एल्कोहल, ये सारा आपको कंटेंट आपको क्या करना होता है पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर इसके और डिटेल में क्या कुछ पढ़ना है आप इसके लिए स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आप उसे सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आप इसे भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। वहीं अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात किया तो ये जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए आपको 5 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें कितने पार्ट्स में आपका प्रैक्टिकल होता है डिवाइडेड, वो आपका डिवाइडेड होता है 3 मेनली पार्ट्स में। पहला ग्रुप ए होता है जिसमें होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको भी पढ़ना पड़ता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 12 मार्क्स का, जिसमें आपको एसिडीमेट्री एंड एल्काइमेट्री आपको भी पढ़ना पड़ता है, यूज ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड आइडोमेट्री आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद 8 मार्क्स का आपको होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन करना है, जिसमें आपको किसके एल्कोहल ग्रुप, इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, इसके बाद देख सकते हैं जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है या एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में हमको क्या करना होता है डिटेक्शन करना होता है। और आपकी कॉपी और आपके वाइवा वॉइस पे कितने मार्क्स मिलते हैं मात्र 5 मार्क्स। तो कह सकते हैं मेनली आपका 20 मार्क्स आपको ऊपर के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने से मिलता है, और ये कब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल का जब आपका आपके डिपार्टमेंट या आपके कॉलेज में एग्जाम होता है तब। तो इस तरीके से पार्ट वन के ऑनर्स यानी फर्स्ट ईयर का हम लोग ऑनर्स एंड सब्सिडियरी दोनों के सिलेबस को समझ गए हैं। आशा करते हैं ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि इसका जो डिटेल सिलेबस कैसे मैंने डाउनलोड किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो डिटेल जो सिलेबस आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट मार करके आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लीजिएगा रख लीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।